हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। और यहाँ पे थोड़ा सा आज थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इसलिए बहुत सारे टूरिस्ट हैं, तो थोड़ा सा साउंड आ सकता है बैकग्राउंड में, क्योंकि यहीं पे नज़दीक में थोड़ा सा एक मार्केट टाइप है, तो बहुत सारा वॉइस आता है वहाँ से। लेकिन आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा शॉर्ट होगा ये वीडियो, लेकिन इस वीडियो में मैं ये बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो हॉस्पिटलों के लिए आ रहे, वो जिन उनको जिस भी फील्ड में हॉस्पिटलिंग करना है उस फील्ड में वो नहीं आ रहे, किसी और फील्ड में आते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उस फील्ड में ज़्यादा जल्दी हो जाएगा प्रोसेस, तो हम जर्मनी पहुंच जाएंगे और फिर काम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है एक्चुअली, क्योंकि अगर आपकी जो भी फील्ड है, जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है और उसी फील्ड में आप आओ, क्योंकि बाद में आपको बहुत सारे रिग्रेट्स हो सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आपको MBA में कि एडमिशन नहीं मिल रहा, यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल रहा, और आपको किसी दूसरे चीज़ों में इंटरेस्ट है, मतलब जॉब करना है, फुल टाइम जॉब करना है और किसी कोर्स में एडमिशन लेना है, लेकिन उसमें नहीं मिल रहा है, और सिर्फ आप हाउस बिल्डिंग के लिए जल्दी मिल जाता है वीज़ा और जल्दी सारी प्रोसेस हो जाती है, इसलिए आप ये चूज़ कर रहे हो और आ जाओगे और इस गलत फहमी में रहोगे कि आपका हो जाए वीज़ा चेंज हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हो जाएगी। लेकिन मैं ये बताऊंगा कि आप कुछ भी कर लो, मतलब किसी भी तरीके से आप पूछ लो उनको, एम्बेसी को, यहाँ पे जो आउसलैंडिश बेहोडे होता है फॉरेन ऑफिस, वीज़ा चेंज नहीं होता, हाउस बिल्डिंग का वीज़ा मोस्टली चेंज नहीं होता। मैंने भी 2-3 लोगों से पूछा है, उनका एक्सपीरियंस लिया था कि क्या होता है, कैसे प्रोसेस है, क्या होता है। हाउस बिल्डिंग का वीज़ा चेंज नहीं होता, आप हाउस बिल्डिंग के लिए आके MBA नहीं कर सकते ऐसा, या मास्टर्स नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। आप अगर आप हाउस बिल्डिंग के लिए आते हो और फिर आपको मास्टर्स करना है, कुछ चीज़ें करनी है, तो आपको फिर वापस इंडिया जाना पड़ेगा और फिर सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी, ऐसा होता है। लेकिन आप हाउस बिल्डिंग टू हाउस बिल्डिंग चेंज कर सकते हो, अगर आपको किसी IT में हो और आपको किसी होटल में करना है तो आप कर सकते हो बिल्कुल, या होटल में हो और आपको IT में करना है तो ऑब्वियसली कर सकते हो, कंपनी चेंज कर सकते हो दूसरे सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, ऐसे एक दो बार कर सकते हो आप चेंज, आप फील्ड चेंज कर सकते हो हाउस बिल्डिंग में, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें हो जाती है, आपको प्रोसेस डॉक्यूमेंट सारे, वीज़ा वो एड्रेस वो सारी चीज़ें हो जाती है चेंज। मैंने एक दो स्टूडेंट्स का देखा है कैसे होता है क्या होता है, लेकिन आप हाउस बिल्डिंग के लिए आके मास्टर्स नहीं कर सकते। ऑब्वियसली हाउस बिल्डिंग करके कंप्लीट करके आप बाद में कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे बीच में छोड़ के आप नहीं कर सकते, वो वीज़ा चेंज नहीं होता है। तो अब आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए पहले से, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद फिर आपको रिग्रेट्स हो सकते हैं और फिर आपका प्लान सब डिस्टर्ब हो सकता है। तो यही था आज का छोटा शॉर्ट वीडियो था, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोस। और अगर आपको कुछ बहुत और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस या मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि अभी मैं व्लॉग्स बनाऊँगा, क्योंकि अभी यहाँ पे समर चालू हो जाएगा, तो अच्छे मतलब व्लॉग्स बना सकूँगा। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग वीडियोज, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट इफ़ यू find it informative. Thank you.